अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके सफ़र यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, वीडियो के स्क्रीन पर जिनकी आप फोटो देख रहे हैं, साथियों कुछ दिन पहले ये कतर आए हुए थे। दोस्तों, इनको आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूँ, ये ब्राज़ील के बहुत ही बड़े दोस्तों फुटबॉलर हैं, पीएसजी प्लेयर हैं। इनका नाम है दोस्तों नेमार। साथियों, इनके एस्पेक्टर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से दोस्तों ये सर्जरी के लिए कतर दोस्तों कुछ दिन पहले ही आए थे। तो साथियों, इनके द्वारा फिर से अपने फोटो को वहाँ पे ट्वीट किया गया और बताया गया इनकी सर्जरी पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है और वापस दोस्तों अपने जो मुल्क है ये वापस ब्राज़ील जो है वो जा चुके हैं। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जा रही साथियों वकूत की तरफ से आ रही। तो भाइयों, वकूत के बारे में तो दोस्तों जानते ही होंगे आप। वकूत एक फ्यूल कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो साथियों, वकूत की तरफ से कल के दिन ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है कि जो पुरानी जो दोस्तों गाड़ियां हैं यानी व्हीकल्स वगैरह है उनको लेकर दोस्तों पब्लिक के लिए ऑक्शन में रखा गया है। तो सैटरडे 18 मार्च 2023 को दोस्तों आपके पास मौका है, यदि आप ऑक्शन की गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, पुरानी गाड़ियों की शौकीन हैं। तो लोकेशन दिया गया है दोहा डिपोर्ट अबू हारमर। ऑक्शन का टाइमिंग होगा सुबह 8 बजे। तो जो लोग भी दोस्तों आप लोग वहाँ पे ऑक्शन में जाना चाहते हो, जाकर गाड़ी वगैरह को देखना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, तो 18 मार्च 2023 को दोस्तों आप चले जाइएगा। दोहा जो डिपोर्ट है आप जानते ही होंगे कतर में होंगे, तो अबू हारमर जो एरिया है वहाँ पे सुबह 8 बजे से पहले पहुँच जाइएगा। सुबह 8 बजे दोस्तों ऑक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा ताकि आप ऑक्शन में दोस्तों अपने हाथ को बढ़ा सको। अगली खबर दोस्तों जा रही साथियों हमारी एम्बेसी ऑफ इंडिया से। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर है, आप लोगों के पास मौका है 10,000 कतरियाल सैलरी लेने के लिए। तो जो भी भाई लोग अभी आप लोग कतर में मौजूद हो, यदि आप लोगों के पास कतरी रेसिडेंस परमिट है, यदि वैलिड है, तो आप लोग एम्बेसी ऑफ इंडिया में जाके, सिर्फ इंडिया दोस्तों इंडियन लोगों के लिए मौका है, आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। सीनियर इंटरप्रेटर यानी दोस्तों एम्बेसी ऑफ इंडिया जो है वो इन्वाइट्स किया एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ सीनियर इंटरप्रेटर, जो कि परमानेंट जॉब आपको दिया जाएगा। इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? इसमें अप्लाई कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अरबिक लैंग्वेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी जो अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जिनके पास है और जो अच्छे यूनिवर्सिटी से, जो कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जिनको अरबिक लैंग्वेज आता हो, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इसमें यहाँ पे ये क्राइटेरिया दिया गया है कि गुड कमांड ऑन स्पोकन रिटन अरबिक इंग्लिश, यानी आपको लिखना, बोलना, समझना, पढ़ना सब कुछ आपको अरबिक और इंग्लिश की आपको आनी चाहिए, तभी आप जॉब इसमें अप्लाई कर सकते हो। तीसरा, एबिलिटी ऑफ सिमिलरली ट्रांसलेट बिटवीन अरबिक एंड इंग्लिश, यानी आपको अरबिक में अरबिक से इंग्लिश और इंग्लिश से अरबिक आपको ट्रांसलेट करने आपको अच्छे से आना चाहिए। चौथा, इसमें क्राइटेरिया है कि आपको कंप्यूटर आपको मतलब परफेक्ट आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए, यानी पूरा कंप्यूटर आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसमें पांचवा दोस्तों जो क्राइटेरिया दिया गया, आपकी उम्र 21 से 40 साल, यानी 21 से कम वाला भी नहीं होना चाहिए और 40 से ज़्यादा वाला भी आप नहीं होना चाहिए, वही लोग दोस्तों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो सैलरी दी जाएगी लगभग 10,000 कतरियाल की दोस्तों आपकी सैलरी होगी पर मंथ। इसमें आपको इंक्लूडिंग ऑल अलाउंस यानी खाना रहना पीना सारा कुछ आपको मिलेगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो, जिनके पास कतरी रेसिडेंस परमिट है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ईमेल आईडी दिया हुआ है, देख सकते हैं crl.doha@mea.gov.in। ये 24 मार्च 2023 से पहले ही आपको अप्लाई करना है, आपके पास दोस्तों बहुत ही बढ़िया ये मौका है। तो दोस्तों, ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।